हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आई थिंक आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। अगर आप लोग यहाँ पर आईआईटी जैम एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हो और अगर आप लोग यहाँ पे आईआईटी जैम इस बार का देने वाले हो, तो आईआईटी जैम एग्जाम देने से पहले ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मतलब ये बिल्कुल नेसेसरी वाली कंडीशंस हैं कि अगर आपको ये चीज़ पता नहीं है तो आप अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि एटलीस्ट ये चीज़ तो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। वो क्या है? तो वो ये है हमारा लास्ट 5 ईयर्स पेपर एनालिसिस। तो हम यहाँ पे आपका लास्ट 5 ईयर्स का पेपर एनालिसिस करके बताएंगे कि लास्ट 5 ईयर्स में आपके एग्जाम्स में कितने क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछे गए थे। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो ये हमारे पास क्या है आपका, अगर आप इसमें देखेंगे तो हमने यहाँ पे ईयर वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हमारा 2024 है, ये हमारा 2023 है, ये 2022 है, ये 2021 है और ये 2020 है। तो 20, 21, 22, 23, 24 हमने यहाँ पे इसका पेपर एनालिसिस किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेक्शन वाइज भी है। तो सेक्शन है, आपको पता है एमसीक्यू होता है। तो ये जो हमारा है, ये हमारा एमसीक्यू सेक्शन है, ये हमारा एमएसक्यू सेक्शन है और ये हमारा है आपका एनएटी सेक्शन। तो मैंने आपको यहाँ पे ये भी बता दिए हैं सेक्शन वाइज कि ये हमारे सेक्शन है। अब अगर हम बात करते हैं एमएमपी की, जिसको हम मैथमेटिकल मेथड्स बोलते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेक्शन ए में आपके 2024 में 5 क्वेश्चन आए थे, सीएम के सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन आए थे, इसी तरीके से वेव ऑप्टिक्स में आपके 4 क्वेश्चन आए थे, ईएमटी में आपके 5 क्वेश्चन आए थे, टीएसएम में आपके 3 क्वेश्चन आए थे, मॉडर्न फिजिक्स में 4 क्वेश्चन आए थे और एसएसपी और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपके 4 क्वेश्चन यहाँ पे आए थे। सेम चीज एमएसक्यू की अगर बात करते हैं तो एमएम से 1 क्वेश्चन आया था, फिर वेव से 1 क्वेश्चन आया था, फिर ईएमटी से 2 क्वेश्चन आए थे, टीएसएम से आपके 3 क्वेश्चन थे, एमपी से 1 क्वेश्चन था और एसएसपी इलेक्ट्रॉनिक्स के 2 क्वेश्चन थे। सेम चीज आपका न्यूमेरिकल आंसर टाइप, यहाँ पे 3 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, देन यहाँ पे आपके पास 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपके सामने ये क्वेश्चंस निकल कर आए थे। तो ये हमारा क्या है आपका 2024 का, ये हमारा आपका एग्जाम्स का पेपर एनालिसिस है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे 2023 का किया हुआ है, 2022 का किया हुआ है, 2021 का किया हुआ है और 2020 का यहाँ पे पेपर एनालिसिस करके आपके सामने रखा हुआ है। तो आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए वीडियो को पॉज करके, और जिससे कि आपको एक रफली आइडिया आएगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस सेक्शन ए में, सेक्शन बी में और सेक्शन सी में आपके पूछे जाते हैं। अब दोस्तों, एक काम की बात और है कि अगर आप लोग यहाँ पे आईआईटी जैम और सीयूटी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपको एक लाइव बैच चाहिए, तो आईएफएस आपके लिए यहाँ पर एक लाइव बैच लेके आया है जो कि हमारा चैंपियन लाइव बैच। तो ये जो बैच है, ये आपकी हेल्प करेगा इस एग्जाम्स को क्लियर करने में और ये एकदम लाइव बैच है। इसमें हम आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें अभी आपका 30% का ऑफ चल रहा है और आप हमारा कूपन कोड IFS30 का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 9 सितंबर से। तो अभी तक आप लोगों ने इस बैच के अंदर एनरोल नहीं किया है तो जाके इस बैच को एनरोल कर लीजिए। ये आपकी 100% हेल्प करेगा इस एग्जाम्स को क्लियर करने में। फिर वहीं पर अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते, कुछ उनको समय की दिक्कत है या घर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है या कॉलेज वगैरह है, तो उनके लिए भी हमारे पास कुछ है, निराश नहीं होना है। तो आप हमारा रिकॉर्डेड कोर्स यहाँ पे ले सकते हैं। तो रिकॉर्डेड कोर्स और टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, इस पर भी हम आपको 30% ऑफ दे रहे हैं और आप हमारा प्रोमो कोड IFS30 का यूज कर सकते हैं। देन दोस्तों, फिर ये जो सब लोगों के लिए है, चाहे आप लाइव कर रहे हो चाहे आप रिकॉर्डेड देख रहे हो, अगर आप IIT जैम और CUT PG एग्जाम से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको एक सिंगल वेबसाइट IFSonline.com पे जाके विजिट करना है। इसमें आपको एग्जाम से जुड़ी सभी इंफॉर्मेशन, जैसे एग्जाम्स का सिलेबस क्या है, एग्जाम्स पैटर्न क्या होता है, क्या इसकी कट ऑफ होती है और भी बहुत कुछ, ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से आपको हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स है ना, प्राइम क्लासेस, वो मिल जाएंगी आपको। लास्ट फाइव आपको लास्ट 10 ईयर्स के PYQs मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएगा और पेपर एनालिसिस मिल जाएगा। तो ये सब कुछ आपको हमारी एक सिंगल वेबसाइट IFSonline.com पे मिल जाएगा। तो आज ही जाइए और जाके फटाफट से हमारी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कीजिए, ठीक है दोस्तों। और आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस टाइप के और वीडियो यहाँ पे चाहिए। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।